बंधक बनाकर पूरे घर में की लूटपाट। थाना रिहरा बाजार जनपद बलरामपुर के अंतर्गत ग्राम सभा महदैया सिरसिया के शोभापुर व मजरे पर चोरों ने की रात को जमकर लूटपाट किया। शोभापुर व निवासिनी प्राणति पत्नी सुखी राम के घर पर रात लगभग 12 बजे 14 से 15 लोग आए और 4 लोगों ने औरत को तथा 3 लोगों ने प्राणति के ससुर धर्मराज जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष को घेर लिया और आवाज नहीं करने दिया। मकान के अंदर का दरवाजा बंद था और उसमें बाहर से ताला लगा हुआ था। औरत को ताला खोलने के लिए दबाव बनाया कि यदि ताला नहीं खोलोगी तो तुम्हारे लड़के और लड़की को जान से मार देंगे, जिससे डरकर औरत ने चाबी चोरों को दे दिया। करीब 6 से 7 लोग घर के अंदर घुसकर घर में रखे सामान को लूट लिया। घर से बाहर आने पर बाहर लेटी औरत का गहना भी छीन लिया व 2 थप्पड़ मारे भी और धमकी दिया कि यदि शोरगोल किया तो जान से मार देंगे, इसलिए औरत ने शोरगोल नहीं किया। प्राणति ने बताया कि गहना व नकदी मिलाकर लगभग 4 लाख रुपए की चोरी चोरों द्वारा की गई है। प्राणप्ति ने 18 दिसंबर 2020 की सुबह पे हर चौकी पर लिखित सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस गई और घटनास्थल को देखा व उसका फोटो भी लिया। पुलिस द्वारा बताया गया कि छानबीन करके घटना को अंजाम देने वाले चोरों को जल्द पकड़ने की कोशिश की जाएगी। प्राणप्ति का कहना है कि आज 4 दिन हो गए, अभी तक किसी को पकड़े जाने की सूचना नहीं मिली है, जिससे औरत और डरी हुई है कि कोई घटना फिर ना हो जाए, इसलिए काफी परेशान व डरकर इधर उधर भटक रही है। जब इसके संबंध में थाना अध्यक्ष रेहरा बाजार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि छानबीन करके जल्द कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पारा जनाधिकार न्यूज और आज हम इस समय मौजूद है ग्राम सभा महदैया सिरसिया के एक गाँव शुभपुरा में, जहाँ पर 17 तारीख की रात को 15 से 16 लोगों द्वारा डकैती डाला गया है। मैं वहाँ की पूरी वारदात, वहाँ का पूरा पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये वही घर है जहाँ पर उस रात चोरों द्वारा डाका डाला गया था। अंदर की पूरी स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक औरत सोई हुई थी और उस औरत को 4 लोग आ करके घेर लेते हैं। यहाँ के एक वृद्ध व्यक्ति हैं, उनको भी 3 लोग जा करके घेर लेते हैं। घेरने के बाद 3-4 लोग वहाँ जा करके ज़बरदस्ती ताला तोड़वाते हैं और ताला तोड़वाने के बाद जब वो लोग ताला नहीं खोलना चाहते हैं तो उनके बच्चे को जान से मारने की धमकी देते हैं और धमकी दे करके घर के अंदर का ताला तोड़वाते हैं और घर में रखी हुई सारे संपत्ति को, चीज गहने को, पैसे को, सब कुछ उठा करके ले जाते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर की पूरी घटना को। ये वही घर है जिस रास्ते से चोरों द्वारा अंदर जाया जाता है। ये वही मकान है जो आप देख रहे हैं, अंदर का ताला तोड़वा करके सारे संपत्ति को यहाँ से ले जाते हैं। और पूरी घटना कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, मैं आपको वहाँ पर जो औरत लेटी हुई थी उससे मैं आपको मुलाकात करवाता हूँ। चलिए बताइए पूरी घटना क्या हुई थी। वो आए भाई से मैंने वो कुकुर आवे तो कुकुर हाके ना, तो ओकरे बाद में यहाँ गाय आई तो गैया हाके ना, यहीं हमें आए नल ले गए ना अपनी, जिससे 10 मिनट बीता ही, जिससे ओकरे बाद में यहाँ हमें आए घेर लिया। 3 जने मार ससुर वाला रहे, 3 जगह उठाई नहीं है, वैसे हमारे मसहरी लगे 3 जने रहे, 3 आमे लगे रहे, तो हम कौनी लंग जाई तभी पाए हम ना आई गए ना भैया। आए तो लोग आपसे क्या बोले? तब आए तो कहें कि हमें मैं ऐसे मोहबाइन जैसे कहें कि चुप, तब हम चुप आई गए। तब जौन हमसे गए घर में यहाँ बड़वा कुल मैंने बटनियाँ बंद कर दी, तो ओकरे बाद में ही हमसे कुंजी मांगे, तब कुंजियाँ हम उठाई के दे दें, कहीं कुंजी ना देवो तो तुम्हारे बच्चा वाला है और ये लड़की वाली ही, वो कहा हम जान से मार देवे, तो मैंने ना हम दे दिए कुंजियाँ। तब गए अपन हुआ से हेयर कर उकर कर लेकर मार चीज गहना आए तब हमें निकल आए। अच्छा, आप लोग जो गहना पहने थे उसको भी निकलवा लिए? हाँ, कुल निकलवा लिए, हमारे निकुना कान्यम गुआड़ियम बिछुआ हमारा रहा वो निकलवा लिए रहे। बकल हम कहें भैया हमें सोचे मैं सुहाग है तो कर तू छोड़ दियो, या काने में की आई नहीं निकल आए जो चटकना 3 मारबो कि ही नहीं। हाँ, तो हमें आए तो सब सामान लेके जब निकल गया है तब यही 6 लोग तब गए हैं, कहीं ना हुए कहूँगा हार करे। अच्छा, नहीं तो क्या क्या सामान लगे कुछ बता सकती हैं? हाँ, तो हमारे 4 थोड़ा 4 जुड़ गोरे का पायल रहा, 5 ठर गटई महके रहा और 2 ठर मार वाली नथुने रहा, चीज हम बहुत धरे रहे, कम से कम 4 लाख का जेवर धरे रहे। तो हमारे जेवर जाना थे कि हम
तो आप लोगों ने शोरगुल नहीं किया था? नहीं। तो हमारे दिया जाना था कि हम कौन मेर कम धरे रहन कौन मेर कम सब लेके चला गए। तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया था? नहीं, चौकी पर यहाँ कहाँ है। तो कोई कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं ना, या दो जने आए रहे। क्या कहे? अब फोटो वोटो बनाए ले गया है, कहीं ना कुल हम करब 8 दिन के अंदर में। अच्छा, यह है पूरी द्वारदात जहाँ पर रात को डकैती डाली जा रही है। शासन प्रशासन इतना टाइट है, इतना सक्रिय है, फिर भी इसके बावजूद चोर डकैत चोरी को अंजाम दे रहे हैं, डाके को अंजाम दे रहे हैं। आखिर कब तक, किस प्रकार से जनता इन प्रकार की परेशानियों को झेलती रहेगी? क्या इनकी सुनवाई होगी? क्या ये लोग ऐसे ही प्रताड़ित किए जाते रहेंगे? इस सब की चीज़ों की जानकारी के लिए आप लोग देखते रहिए पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज़।